कि ऐसा होता है कि जब लड़की अपने माँ बाप के घर में होती है ना, तो उसे जो प्यार मिलता है ना, जो प्यार का वो लेवल होता है ना, वो आगे कोई शख्स भी पूरा नहीं कर सकता, सबको पता है। मगर फिर भी वैसा प्यार वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड में, तो या अपने प्यार करने वाले में। तो किस तरह के शख्स को अपनी जिंदगी में बुलाना चाहती है, ये एक लड़की की तरफ से लिखा है कि सो जाऊं मैं कभी ठंड में, कि सो जाऊं मैं कभी ठंड में सोफे पर, बिन जगाए मुझे कंबल उड़ाकर मेरे कमरे तक पहुंचा सको तो चले आओ। कि खूब बारिश हो जिस दिन, कि खूब बारिश हो जिस दिन और मैं जमकर भीग जाऊं, बस करो बीमार पड़ जाओगी कहकर छत से मुझे नीचे पुकार सको तो चले आओ। भूख नहीं लगी कहकर जिद करूंगी, भूख नहीं लगी कहकर जिद करूंगी, जब एक एक निवाले को अपना नाम देकर खिला सको तो चले आओ। शुक्रिया कि बिन कहे मेरी ख्वाहिशों को कोई समझ जाए, इतना काबिल कोई नहीं मेरी नजरों में। कि बिन कहे मेरी ख्वाहिशों को कोई समझ जाए, इतना कोई काबिल नहीं मेरी नजरों में। मगर हाँ, मेरी आधी जुबान से निकली चीज को कुछ पलों में तुम मेरे हाथ में थमा सको तो चले आओ। शुक्रिया कि जिस दिन गूंजे ना मेरी हंसी, कि जिस दिन गूंजे ना मेरी हंसी, मगर चेहरे पर मेरे मुस्कान हो, किस बात का गम है पूछ कर मुझे सीने से लगा सको तो चले आओ। मेरी छोटी सी छोटी खुशी के खातिर अपनी लाखों खुशियों का गला दबा सको तो चले आओ। कभी बन ठन के घूमने जाएं कहीं पर, कि हम दोनों कभी बन ठन के घूमने जाएं कहीं पर, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगने के बाद भी लाओ तुम्हारी एक तस्वीर खींच दूं कह सको तो चले आओ। बहुत शुक्रिया। और बस ये दो लाइनों के बाद मैं आपसे विदा लेती हूँ कि माँ बाप सी मोहब्बत मुझे कोई नहीं कर पाएगा ये यकीन है मुझे, कि माँ बाप सी मोहब्बत मुझे कोई नहीं कर पाएगा ये यकीन है मुझे, मगर उनकी थोड़ी सी भी छवि तुम मुझे खुद में दिखा सको तो चले आओ। बहुत शुक्रिया।